सच में क्या ट्रेलर था, 2 मिनट 56 सेकंड मुझको सिर्फ और सिर्फ गूज बम्स आ रहे थे। तो भाई कल रात को ठीक 8 बजे YouTube पे आया है एक नई मराठी मूवी हर हर महादेव का ऑफिशियल ट्रेलर, और सच कह रहा हूँ ये ट्रेलर हर मामले में बेहतरीन था। एक सेकंड के लिए भी मेरे मन में ये फील नहीं आई कि यार ये सब फेक है, ये सब क्या हो रहा है। नहीं भाई, सब चीज एकदम परफेक्ट थी, और परफेक्ट चीजों में नंबर 1 पे आएगी कास्टिंग। भाई शरद केलकर एज बाजी प्रभु देश पांडे, यार ये कितनी बड़ी बात है भाई, फाइनली वो एक प्रॉपर मेन लीड में आ रहे हैं और हम उनको देख पाएंगे बड़े पर्दे पे। और मैं आपको बता दूं कि हर हर महादेव ये पहली मराठी मूवी है जो मराठी के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में पूरे भारत में रिलीज की जाएगी। तो भाई मैं आगे तो बोलूंगा ही, लेकिन मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि प्लीज 25 अक्टूबर को ये मूवी थिएटर में प्लीज देखना, और अकेले मत देखना, अपनी पूरी फैमिली को ये मूवी दिखाना। बात करें कहानी की, तो शिवाजी महाराज के सेनापति बाजी प्रभु देश पांडे और उनके 300 सैनिकों ने अकेले सामना करा 10,000 मुगलों का और उनको अपनी मातृभूमि पे आने से रोका। इस पूरी लड़ाई में सिर्फ 300 सैनिकों ने 10,000 मुगलों के सर काटे। तो भाई सोचो इतना बड़ा इतिहास हमको देखने के लिए मिलेगा बड़े पर्दे पे, वो भी अपनी अपनी भाषाओं में, तो यार इसको तो मिस करना बनता ही नहीं है। मैंने ये ट्रेलर 5-6 बार देख लिया है और भाई हर बार देखने पे मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। यार शरद केलकर, उनकी पर्सनालिटी, उनका परसोना, उनकी आवाज़, ये सब देख के, ये सब सुन के बहुत मजा आया। भाई ताना जी के बाद पूरे 2.5 साल बाद एक प्रॉपर राष्ट्रवादी फिल्म आ रही है और इसको तो मिस करना बनता ही नहीं है। और भाई इसका एक और प्लस पॉइंट, इसके डायलॉग्स, भाई डायलॉग्स हो, एक्शन हो, VFX हो, सेट्स हो, लोकेशन हो, कास्टिंग हो, हर मामले में ये मूवी एकदम परफेक्ट लग रही है। और हाँ भाई सुभाष भावे वो यहाँ बन रहे हैं शिवाजी महाराज, तो उनको देखकर एक पॉजिटिव वाइब आ रही है शिवाजी महाराज के लिए, वो कहीं से भी गलत कास्टिंग नहीं लग रहे। बाकी भाई शरद केलकर पे तो मैं घंटों बात कर सकता हूँ। ताना जी में उनको देख के मैं उनका फैन हो गया था, जिस तरह से उन्होंने शिवाजी महाराज का किरदार निभाया था उसमें, तो यार वो कमाल था। और मैं चाहता हूँ दिल से कि वो यहाँ भी कमाल करें, और लग रहा है देखने में कि वो यहाँ भी कमाल करने वाले हैं। और भाई एंड के 30 सेकंड में जो हम एक्शन देख रहे हैं भाई, वो तो बेहतरीन है। मतलब यार साफ साफ गले कट रहे हैं, हाथ कट रहे हैं, वो सब कुछ देखने में नेक्स्ट लेवल था। इस दुनिया को दिखा दे 300 उल्टी खोपड़ी के मराठे क्या कर सकते हैं। अब हाँ यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई वो खून नकली लग रहा है, लेकिन भाई प्लीज CG पे मत जाओ भाई, वो श्रद्धा, वो निष्ठा जिसके साथ इन्होंने ये फिल्म बनाई है उसको देखो। और हाँ भाई आदि पुरुष के साथ इसको कंपेयर मत करना, क्योंकि भाई आदि पुरुष में साफ साफ दिख रहा है कि बनाने वाले के मन में कोई निष्ठा थी ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि बनाने वाले के मन में एक निष्ठा है। फिल्म के मेकर्स हमारे सामने एक इतिहास लाना चाहते हैं और हमें इस मामले में उनको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी हाँ भाई मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा, उससे 25 तारीख का वेट नहीं हो रहा। और भाई प्लीज मैं आप सबसे भी कह रहा हूँ, दिवाली पे इससे अच्छा गिफ्ट आप अपनी फैमिली को नहीं दे सकते। अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, सबको लेकर जाना और ये मूवी दिखाना। भाई ये मूवी डिजर्व करती है कि इसको देखा जाए बड़े से बड़े पर्दे पे। और भाई इस मूवी के बाद हम सब कह पाएंगे गर्व से कि हाँ ये है असली 300। हॉलीवुड की 300 एक फिक्शनल मूवी है, लेकिन भाई ये मूवी है असली 300। ये हमारी 300 है, ये हमारा इतिहास है और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो बस इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई प्लीज लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और अगर आपने देखा ये ट्रेलर तो कैसा लगा कमेंट्स में लिख देना, और फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम जहाँ मन करे वहाँ फॉलो कर लो, और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।